कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो गुवज्झायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्व सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पते गोच्छामि समय पाउल नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे अनंतधर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देवीरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपना प्रकरण चल रहा है ज्ञान स्वभाव या ज्ञान स्वभावी आत्मा। वास्तव आपने निर्णय किया है कि जब स्वभाव से हम अकर्ता अभोक्ता है तो वास्तव में भी हम अकर्ता अभोक्ता ही है। इसलिए ज्ञानी पर द्रव्यों को और खास करके सबसे निकटवर्ती कर्म को करता नहीं है और न ही भोगता है। जो इसी संदर्भ में जो 319 और 320वीं गाथा में ज्ञानी अकर्ता और अभोक्ता है इसी को दृष्टांत सहित स्पष्ट कर रहे हैं। जिनका वह अकर्ता और भोक्ता है जिन कर्मों का जिनका वह अकर्ता और भोक्ता है जिन कर्मों का उन कर्मों को पुण्य और पाप के रूप में विभाजित किया। तो पुण्य पाप जो कर्म रूप में बंध रहे हैं पुण्य पाप उनका वह कर्ता नहीं है और ये पुण्य पाप जिन भावों से बंधते हैं ऐसे जो शुभाशुभ भाव ये भी अपने भाव अपने स्वभाव न होने के कारण से वास्तव में उनका भी कर्ता नहीं भावों का भी कर्ता नहीं है वे भी पुण्य पाप माने पुण्य पाप रूप भावों का कर्ता नहीं है। उसके कारण से जो पुण्य पाप रूप द्रव्य कर्म बन रहे हैं उनका कर्ता नहीं है और साथ ही इनका जो फल आएगा अभी जैसे दो छात्र अशुभ भाव कर रहे हैं प्रवचन में बैठ करके भी बातें कर रहे हैं हंस रहे हैं तो अभी अशुभ कर्म कर रहे हैं अशुभ से पाप बांधेंगे और पाप का फल आएगा तो भोगेंगे ना भोगना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मुंह छुपाने से काम थोड़ी चलेगा वो तो आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। परंतु ज्ञानी जो भाव हो रहे हैं उन्हें भाव कर्म जानते हैं
जो बंध रहे हैं उन्हें द्रव्य कर्म जानते हैं, और इनके फल में पुण्य पाप का जो फल आ रहा है उसे नो कर्म जानते हैं, और हम शुद्ध आत्मा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है ऐसा ज्ञानी जानते हैं, इसलिए इन तीनों के कर्ता नहीं हैं, और तीनों के कर्ता नहीं है इसलिए इनके फल को भी वो वास्तव में वे भोगते नहीं हैं। 319 और 320 इन गाथाओं की ये चर्चा है। पहले दोनों गाथाएं पद्यानुवाद के साथ में अपन पाठ कर लेते हैं, फिर 320वीं गाथा की टीका जो बाकी है उस पर अपन चर्चा करेंगे। बोलिए। णाणी कम्माई बहुपयाराय जाणई पुण्यकम फलम बंधम पुण्यम च पापम च दिट्ठि जहे वर्णानम अकारयम तः अवेदयम चेव जाणय बंध मोखम कमुदयम् निज्जरम् चेव ज्ञानी करे भोगे नहि बस सभी विध विध कर्म को वह जानता है कर्म फल बंध पुण्य एवं पाप को जो दृष्टि त्यों ही ज्ञान जग में है अकारक अवेदक जाने कर्म के बंद उदय मोक्ष एवं निर्जरा। इसमें से 319वीं गाथा जिसमें ये चर्चा की गई, ये तथ्य बताया गया जिसका दृष्टांत 320वीं गाथा में दिया। क्या तथ्य दिया? जो ज्ञानी है वह अनेक प्रकार के कर्मों को करता नहीं है और भोगता नहीं है, और भोक्ता के लिए नीचे की पंक्ति में एक तरह से कहा कम्म फलम बंधम पुण्यम च पावम च, जो कर्म पुण्य पाप या शुभाशुभ और उनका फल जो पुण्य और पाप के रूप में आ रहा है उनको ज्ञानी करता नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने इसका हेतु दिया, कल अपन ने पढ़ लिया था तीनों बातों का, ज्ञानी इनका कर्ता क्यों नहीं है, ज्ञानी इनका भोक्ता क्यों नहीं है, और ज्ञानी इनको जानता है का मतलब हम कह सकते हैं ज्ञाता क्यों है, इन तीनों का हेतु भी दिया है। किसी को ख्याल में? बहुत संक्षेप में चलिए। क्या नाम आपका? हाँ जी, दिव्यांश, बोलिए। बहुत अच्छा। यहाँ जो ऐसे भेद नहीं किए, दो तरह की चेतना समझने के लिए अपन ने ऐसे भेद किए थे, हेतु दे दिए सीधा सीधा। कर्म चेतना शून्यत्वात् अकर्तृत्वात्, वो कर्म चेतना से शून्य है इसलिए अकर्ता है इसलिए कर्ता नहीं है, और कर्म फल शून्यत्वात् अभोक्तृत्वात्, कर्म फल चेतना से शून्य है इसलिए अभोक्ता है इसलिए भोक्ता भी नहीं है, और ज्ञान चेतना मयत्वात् और स्वयं कैसा है, ज्ञान चेतना मय है इसलिए सहज जानता है इसलिए सहज ही ज्ञाता दृष्टा है। आज थोड़ा सा हम गुरुदेव कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का क्या विश्लेषण करते हैं, इतना पढ़ के जो अगली गाथा की टीका की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये 250 नंबर पेज पर है।
उतना ही अंश पढ़ेंगे, बाकी और है प्रवचन विस्तार से 250 पेज पर। स्वामी जी इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते, यहाँ से गुरुदेव श्री का उद्धरण है। पहले कर्म चेतना और उसमें से उससे रहित होने से अकर्तापना, कर्म फल चेतना उससे रहित होने से अभोक्तापना, और फिर ज्ञान चेतना की बात। हिंसा, झूठ, चोरी, विषय वासना आदि अशुभ राग तथा दया, दान, व्रत, भक्ति आदि शुभ राग का जो कर्तृत्व है वह कर्म चेतना है। देखो मूल में परिभाषा क्या पड़ी थी, मूल में परिभाषा क्या पड़ी थी अपन ने 387 गाथा की टीका में से, ज्ञानाद अन्यत्र अहम इति संचेतनम अज्ञान चेतना, और ज्ञानाद अन्यत्र इदम अहम करोमि इति संचेतनम, वो कर्तापना ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी का भी, तो ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी का भी, उसमें से गुरुदेव ने दो ही बातें क्यों पकड़ी, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय वासना आदि, और दूसरी तरफ दया, दान, व्रत, भक्ति आदि, ये दो ही बातें क्यों पकड़ी? क्योंकि मूल गाथा में भी कुंदकुंद आचार्य ने पुण्यम च पावम च, पुण्य पाप शब्द का प्रयोग किया है, और टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने भी शुभम अशुभम भाव, शुभाशुभ भाव के रूप में इन्हीं का उल्लेख किया है। तो शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप, तब ये कहेंगे जब इनके करने को भी, ये तो जीव के परिणाम है ना एक तरह से, शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ क्रियाएं जीव ही तो कर रहा है, जब इनके करने को कर्म चेतना कहा जा रहा है तो फिर देह की क्रिया का करना, वचन की क्रिया का करना, और फिर देह से भिन्न बाहर की क्रियाओं का करना, वो तो महाकर्म चेतना है, वो महाज्ञान चेतना रूप कर्म चेतना है। और यहाँ शुभाशुभ की मुख्यता से बात थी, इसलिए ये अशुभ। और अशुभ में दो कार्य चलते हैं, आत्म के अहित विषय और कषाय, और विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी आदि, विषय वासना और कषाय में, कषाय में हिंसा, झूठ, चोरी आदि पापों की प्रवृत्ति और विषय वासना आदि। और शुभ की बात आती है तो दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के कार्य, ये इनमें, ये मैं करता हूँ, मैं करूँ, ऐसा जो विकल्प, कर सकता हूँ, करता हूँ, करूँ, किया, कर रहा हूँ, करूँगा, ये जो अंदर निरंतर चलता रहता है अभिप्राय में, वह सब कर्म चेतना है। ज्ञानी इस कर्म चेतना से रहित होता है, इस कारण वह अकर्ता है। वो ज्ञान चेत, वो इन सबसे रहित होने के पीछे कारण वो ज्ञान चेतना वाला है, अज्ञान चेतना से रहित है इसलिए से रहित होता है। अब दूसरी तरफ कर्म फल चेतना, विकार अर्थात हर्ष शोक का, सुख दुख का जो वेदन होता है वह कर्म फल चेतना है। अब इसमें यही क्यों लिया, क्योंकि ये दो तरीके तो फल भोगते हैं, और ये भी जो फल है ये साता असाता वेदनीय पुण्य पाप का फल है, शुभाशुभ का फल है, इसलिए और शुभाशुभ के फल की भोगने की बात की गई है। तो हर्ष अनुकूलता में खुश होता है, प्रतिकूलता ही तो शोक करता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, तो ये सुख दुख का ये वेदन करना, इसलिए वेदन करना, मैं इनको वेदता हूँ, मैं इनका संचेतन करता हूँ, वह कर्म फल चेतना है। विकारी परिणामों के फल का वेदन करना कर्म फल चेतना है। धर्मी जीव कर्म फल चेतना से रहित होते हैं, इस कारण वे अवेदक हैं। इस प्रकार कर्म फल चेतना से रहित होने से ज्ञानी अभोक्ता ही हैं। अब ज्ञान चेतना, चित ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा का एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, वह स्वपर को जानने का स्वभाव है। ज्ञानी मात्र ज्ञान चेतना में होने से केवल स्वपर का ज्ञाता ही है। ज्ञानी शुभाशुभ कर्मबंध को तथा कर्म फल को मात्र जानता ही है, ये इसका सहज
ज्ञान स्वभाव, ज्ञान चेतना मेहता, और ऐसे ज्ञान चेतना में होने से ज्ञानी के ये सब जानने में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अज्ञानी के जानने में आ रहे हैं, ऐसे ज्ञानी के भी ये जानने में आते हैं। लेकिन जानने में आने पर मात्र जानना और वेदन करना, थोड़ा सा अंतर है। कब वह ज्ञेय बनते हैं और कब वह भोग बनते हैं। मुनिराज भी वन जंगल में बैठे हैं, गर्मी के दिन है, पसीना आ रहा है, और जब शरीर में पसीना आता है और उसके बाद थोड़ी बहुत भी ठंडी हवा चलती है, ठंडी चले चाहे कैसी भी चले, हवा चले तो भी कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता, आह्लाद आता है। अभी यहाँ हवा लाइट चली जाए, पंखे बंद हो जाए और हम सब पसीने पसीने हो जाए, और फिर लाइट आ जाए और पंखे चल जाए, बहुत देर तक पसीने पसीने हो रहे होंगे और फिर आ जाए तो सबके मुंह आ हा हा निकलता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कश्मीरी पहुंच गए हो, ऐसा लगने लगता है। क्या हुआ कि अभी उष्णता का ज्ञान हो रहा था और अब शीतलता का ज्ञान हुआ। अब ऐसे ही मुनिराज को भी पसीना आ रहा है, उष्णता है, और जो उष्णता है ये भी ज्ञान में आ रहा है, उष्णता है, पसीना आ रहा है, ये भी ज्ञान में आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, आ रहा है। फिर हवा चली और शीतलता का ज्ञान हुआ, उनको भी आया, हवा आई तो शीतलता का ज्ञान भी हुआ। लेकिन दोनों स्थिति में जब वो हो रहा था तो हम तो बेहाल होकर के कितना पूछते रहे आज कितनी गर्मी है, और जिसमें ज़्यादा पसीना आने लग जाए, ऐसे भी गर्मी होती ना, सिर्फ गर्मी आती पसीना नहीं आता, गर्म लगता है, और जिसमें साथ में पसीना भी आने लग जाए तो मतलब बड़ी सड़ी गर्मी है, ये बड़ी परेशान कर, खास करके बरसात के दिनों में ज़्यादा गर्मी होने लगती ना, उसे ज़्यादा पसीना आने लगता है। अब वहाँ आ रहा है तो गर्मी है, शरीर से पसीना निकल रहा है, ये ज्ञान होता है। और जो हवा आई तब हमें आनंद आह्लाद आया, लेकिन वो हवा आई तो उसका ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो हमें वो स्थिति दुखदायक लग रही थी और अब ये स्थिति सुखदायक लग रही है, उसमें हम दुख का वेदन कर रहे थे, प्रतिकूलता का वेदन कर रहे थे, इसमें अनुकूलता का वेदन कर रहे, सुख का वेदन कर रहे। मुनिराज न उसमें प्रतिकूलता का वेदन करते न दुख का वेदन करते, उस स्थिति को भी जानते हैं और हवा लगने पर शीतलता का भी ज्ञान करते हैं, उसमें अनुकूलता का और सुख का वेदन नहीं करते, सहज गे मात्र। ये तो मुनिराज की बात की। ये कहते सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी श्रद्धा की अपेक्षा, श्रद्धा से उनमें संलग्न नहीं होता है, संलिप्त नहीं होता है, ये मानता नहीं है कि इसमें से मुझे आनंद आया। वह तीनों प्रकार के विपर्यास से रहित होता है, जो सम्यक ज्ञान हुआ है ना, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में अंतर क्या, सम्यक ज्ञान में तीन प्रकार का विपर्यास नहीं होता। कौन कौन सा विपर्यास? स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और कारण विपर्यास। स्वरूप विपर्यास, ये देह में जो अनुकूल प्रतिकूलता हो रही वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये ज्ञान चेतना मयत्वात्। दूसरा भेदाभेद, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, देह के संयोग में हूँ, लेकिन इससे भिन्न हूँ, इससे अभेद नहीं हूँ। तो जैसे हम दोनों को मिला करके अभेद एक मान रहे, तो हमारे भेदाभेद विपर्यास है, भेद अभेद मान रहे हैं, तो भेदाभेद विपर्यास चल रहा है हमारा, उन्हें भेदाभेद विपर्यास भी नहीं है। और कारण विपर्यास, ये हवा लगने से मुझे सुख, पहले उष्ण गर्मी लग रही थी उसके कारण से दुख है, अब ठंडी हवा लगी उसके कारण से सुख है, ये कारण विपर्यास भी नहीं है। सुख मेरा स्वरूप है तो सुख मेरे भीतर से आएगा, उसका कारण भी वास्तव में मैं स्वयं होऊंगा, दूसरा मेरे इसका कारण भी नहीं बन सकता है, इसलिए ये कारण विपर्यास, इसलिए अन्यत्र वेदना हो ही नहीं सकती है।
ये ज्ञानी की बात, ज्ञानी को ऐसा निर्णय होने से कदाचित, पुरानी आदत पड़ी है ना अनुकूल प्रतिकूल वेदन करने की, वो चारित्र मोह का अभी किंचित दोष बाकी रह गया है, उसके कारण से थोड़ा सुख दुख का वेदन चारित्र के संबंध में होता है, लेकिन श्रद्धांत में रंच मात्र भी अनुकूलता प्रतिकूलता मानते नहीं हैं। योगसार प्रावृत्त का एक श्लोक, ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, और अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते। ज्ञानी तो जो कुछ जानने में आएगा, ज्ञायते सर्वम, वो जान लेता है, न च वेद्यते, उसका वेदन नहीं करते हैं। ज्ञानिना ज्ञायते सर्वम न च वेद्यते, और अज्ञानिना वेद्यते सर्वम न च ज्ञायते। जो कुछ सामने आया उसमें कुछ न कुछ, मैं तो कहता हूँ हमेशा दो परिणाम हमारे चलते रहते अज्ञानी के, तेरा मेरा अच्छा बुरा। तेरा मेरा मोह का परिणाम है, अच्छा बुरा राग द्वेष का परिणाम है, और ये परिणाम जुड़ा तो वहाँ वेदन संचेतन हुए बिना रहता ही नहीं है। तो वेद देते सहज कुछ भी आ जाए, जिससे कुछ लेना देना नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा ना राग द्वेष के विधान विस्तार में, पहले तो देह की एकत्व बुद्धि, इसे जो अनुकूल प्रतिकूल लगे उनमें, अनुकूल में राग प्रतिकूल में द्वेष, और ऐसे सुख दुख का वेदन करता रहेगा जो अनुकूल प्रतिकूल है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी आदत होती है जिनसे कुछ लेना देना नहीं है उनमें भी राग द्वेष करने की इसकी आदत हो जाती है। किसी को कोई वर्ण अच्छा लगता है, किसी को कोई वर्ण अच्छा लगता है, तो किसी वर्ण से क्या अनुकूल प्रति, इस देह को क्या अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है, लेकिन वो वर्णादि में ये राग द्वेष करने की वृत्ति होने के कारण से कहीं भी जिसको देखेगा जिसको जानेगा उसको मात्र गेय न बनाते हुए उसमें कोई न कोई वेदन अपना परिणाम जोड़ करके, राग द्वेष जोड़ करके। ये वाक्य अभी अभी सुना ना आपने, ऐसा तो मेरे ख्याल से बड़े पंडित जी का है शायद, न किसी अभाव में जियो न किसी प्रभाव में जियो, जियो तो अपने स्वभाव में जियो, अपने अपने स्वभाव में रहो, अभाव में नहीं प्रभाव में नहीं। और एक ज्ञानी ऐसा ही जीता है, ये शुभाशुभ पुण्य पाप राग द्वेष ये नहीं होते है ना, सहज ही जिस हाल में रहो ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो, ज्ञायक रहो, वो ज्ञायक रूप रहता है। दो तरह से ज्ञायक रूप रहता है, एक तो मेरा स्वरूप ज्ञायक है, मैं ज्ञायक स्वरूप ही हूँ इसमें रहता है, और जो 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 जानने में आ रहे हैं उनका सबका भी मैं क्या हूँ, ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ और इन सबको भी मात्र जानने वाला हूँ, मुझे सिर्फ सहज जानना है, तो कर्ता भी नहीं बनता और भोक्ता भी नहीं बनता, सहज रहता है। और हम प्रभाव में आए बिना रहते नहीं हैं, जिसको देखे जिसको जाने तत्काल अच्छी बुरी, ये जो वृत्ति होती है ये हमारी वृत्ति होने के कारण से हमें वेदन होता है, और ज्ञानी को ये न होने से वो वेदता नहीं है, सहज ज्ञाता, वो ज्ञान चेतना में है। चले इसी बात को दिट्ठी जहे वणाणम, वो ज्ञान है ना, ज्ञान को आँख का उदाहरण देकर के स्पष्ट कर रहे हैं, वो आँख दृष्टि की तरह है, आँख की तरह है ज्ञान। अकारयम तः अवेदयम चैव, जैसे ये अकारक अवेदक है ऐसे ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। अब इस दृष्टांत को और दृष्टांत देते हुए अमृतचंद्र आचार्य टीका में स्पष्ट करते हैं, जो ज्ञानी कर्ता नहीं भोक्ता नहीं मात्र जानता है, इसके लिए पूछा कुत एतत्, 320वीं गाथा की टीका, कुत एतत् यथा अत्र लोके दृष्टि ही दृश्यात् अत्यंत विभक्तत्वेन तत्करण वेदनयो असमर्थत्वात् दृश्यम न करोति न वेदयते च। गाथा की बात ही कही है,
थोड़ा सा खुलासा करते हुए, दृष्टि अकारक अवेदक है, आँख अकारक अवेदक होती है, क्यों होती है, क्या करती है वह? लोके दृष्टि ही दृश्यात् अत्यंत विभक्तत्वेन, जो दृष्टि है वह दृश्य पदार्थों को देखती है। दृष्टि दृश्य, यदि ज्ञाता है तो ज्ञे, ज्ञायक है तो ज्ञे, दृष्टि तो दर्शक है, इसलिए दृश्य पदार्थ की बात ले रहे हैं, माने जो उसके विषय बनते हैं, उस दृष्टि के जो विषय बनते हैं उन विषयों को करने और भोगने में वह असमर्थ है, न कर सकती है न भोग सकती है। क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं भोग सकती है कि अत्यंत विभक्त, दृश्यात् अत्यंत विभक्तत्वेन, क्योंकि दृश्य से अत्यंत विभक्त है। प्रमाण के प्रकरण में जैन दर्शन ने सन्निकर्ष को प्रमाण नहीं माना, अन्य दर्शनों ने सन्निकर्ष को प्रमाण माना। और सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? इंद्रियार्थ जो संबंध आसन्नि, इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होना चाहिए। इंद्रिया जब तक पदार्थ को छूती नहीं है, स्पर्श नहीं करती है, तब तक उनका ज्ञान नहीं हो सकता। अब इसका जो निषेध, इसका खंडन जो किया गया है वह चक्षुर इंद्रिय नेत्र के आधार से ही किया है। आँख यदि छुए, उस उल्टा है ना उसमें, ये छू पदार्थ का स्पर्श होने पर ही ज्ञान होता है, तो आँख के साथ तो उल्टा है। यदि वह स्पर्श हो जाए तो जिसका स्पर्श करे वो तो देखने में जानने में नहीं आए, वो दूर रह करके ही जानती है, दूर से ही जानती है, तो स्पर्श तो होता नहीं है। तो वो दूर रहकर अत्यंत विभक्तत्वेन, यदि वह विभक्त ना हो, उससे विभक्त के विरुद्ध क्या कहेंगे, वो उससे संयुक्त हो जाए, जुड़ जाए, तो फिर वो दृष्टि हो ही नहीं सकेगी, उसका दृष्टा देखने वाला हो ही नहीं सकेगा। विभक्त रहेगी तो ही उसको देख सकेगी, तो अत्यंत विभक्तत्वेन, उससे अत्यंत भिन्न है। और ज्ञान और ये दृष्टि की बात चल रही ना, ऐसे ज्ञान पर घटित करेंगे फिर उसको, ज्ञान पर भी उसे घटित कर देंगे, तो ज्ञान ज्ञान की भी ऐसी स्थिति है। तो दृश्य पदार्थ से अत्यंत भिन्न होने के कारण से वह तत्करण वेदनयो असमर्थत्वात्, तो दृश्य पदार्थ में कुछ भी करने में और दृश्य पदार्थ का वेदन करने में, संचेतन करने में असमर्थ होने के कारण से दृश्यम न करोति न वेदयते च, दृश्य उसके जो विषय बन रहे हैं उनको वह न जानती है, न करती है, न भोगती है। दृश्य का अर्थ यही नहीं लगाना कि कुछ देखा हुआ होगा, आपने अभी झांकी लगाई थी वो दृश्य हो, ऐसा नहीं है। आपको ये माइक दिख रहा है तो ये दृश्य है, टेबल दिख रहा है तो दृश्य, जो जो कुछ दिख रहा है वो सभी दृश्य है। अब इसमें वो दृष्टि आपकी इस माइक को देख तो रही है, इसमें कर क्या रही है, और इसका कुछ उपभोग भोगना वो भी नहीं कर रही है। यहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए और ये गर्म होने लग जाए, इतनी गर्म हो जाए कभी कभी कि लाल हो गई, लाल हो गई तो भी आपको वहाँ से दिखाई तो देगी। अब वो वही उदाहरण आगे देने वाले हैं इसमें, लेकिन उस आग को न तो आप वहाँ से आँख से बुझा सकोगे और न इसकी गर्मी जो है उष्णता उसको वेदन, वो आँख उसको वेदन भी नहीं कर सकेगी। तो करण वेदन यो असमर्थत्वात् न करोति न वेदयते च, यदि करे और भोगे तो क्या होगा, करे और भोगे तो, माने दृष्टि करे और भोगे यदि दृश्य पदार्थ को तो क्या होगा, उदाहरण दे करके इसको कह रहे। अन्यथा अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत् स्वयं ज्वलन कर्णस्य, अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत् स्वयं ज्वलन कर्णस्य, यदि वो करने वाली होती तो क्या होता, तो उदाहरण दिया संदुक्षणवत्। संदुक्षणवत् का मतलब दो अर्थ करते हैं वैसे संदुक्षण का, पहले जो एक माचिस और ये सब थी नहीं ना पहले जमाने में, तो माचिस नहीं थी,
तो अग्नि जलाने के लिए क्या करते थे, ये पत्थर, दो पत्थरों को आपस में रगड़ करके उसमें से आग निकालते थे। हमने भी अनेक बचपन में बुजुर्ग लोगों को ऐसे देखा है, जो बीड़ी चिलम पीते थे ना, वो उनको उनके पास में दो चकमक जैसे ऐसे पत्थर होते थे और एक पुरानी सी रुई ऐसी कुछ होती थी, वो थोड़ी सी रुई उसके बीच में रखते थे एक पत्थर के ऊपर और दूसरे पत्थर से उसको जोर से ऐसा मारते थे और उतने उसकी चिंगारी जो निकलती थी ना उतनी वो रुई पकड़ लेती थी और उतनी सी रुई पकड़ी और उसको चिलम के ऊपर उसमें रख करके वाक का काम करते थे। वो जो पत्थर होते थे उनको भी संदुक्षण कहते हैं, संदुक्षणवत। तो वे जो संदुक्षण है ना वे अग्नि को कर रहे हैं, तो जैसे वे अग्नि को करते हैं उसी तरह दृष्टि को भी अग्नि को करना चाहिए। यदि करती है तो आँख से भी ऐसी अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। और दूसरा अर्थ किया संदुक्षण का, सीधा सीधा आग जलाने वाला कोई पुरुष, आग जलाने वाला पुरुष, मानो कहीं कहीं ऐसे होते ना बहुत बड़े स्तर पर भट्टियाँ होती हो और सुबह सुबह सब भट्टियों को जलाना है और एक व्यक्ति का काम है वो आग लगाना, सब उन भट्टियों में सब में आग लगाने का काम है, तो वह क्या करता है, वो उस ऐसे पुरुष को भी संदुक्षण कहा जाता है। तो वह आग जलाने का काम करता है तो सब जगह आग जलाता हुआ जा रहा है। तो वह जैसा पुरुष अग्नि जलाने का कार्य करता है, दृष्टि यदि करती अथा अन्यथा अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत् स्वयं ज्वलन करणस्य, वह आग जला रहा है ना, और दृष्टि भी आँख, दृष्टि आँख भी करने वाली होती तो देखने मात्र से ही आग जलने लग जाती, क्यों, देखने से दृष्टि आँख को जलाती करती है तो आग अग्नि जलाने का काम भी करती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये तो हुआ करने का निषेध। अब भोगने के लिए दृष्टांत देते हैं, लोह पिंडवत स्वयं औष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्। यदि लोहे के गोले को अग्नि के संपर्क में लाया जाए तो लोहे का गोला कैसा हो जाता है कि पूरा लाल हो जाता है। अब यहाँ उस समय लोहे का गोला अग्नि का अनुभव कर रहा है, तो लोहा अनुभव कर सकता है, वेदन कर सकता है, सुख दुख का वेदन कर सकता है, तो फिर अनुभवने की बात क्यों कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने अनुभव वाला बात कही थी पहले प्रारंभ में, जैसे कर्ता कर्म के लिए व्याप्य व्यापकपना कहा है ना, ऐसे भोक्ता भोगी के लिए कहा भाव्य भावक, और भाव्य का माने भाना, माने उस रूप होना, अनुभवन उस रूप से होना, और आपके आत्मा अपने ही परिणामों को कर्ता भोक्ता है, पर को कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा आती है और वहाँ दृष्टांत दिया है समुद्र के संसार निस्संसार अवस्था, समुद्र की उत्तरंग निस्तरंग अवस्था और जीव की संसार और निस्संसार माने मोक्ष की अवस्था, वो इसका उदाहरण देकर के जो कहा, तो उसमें भी यही कहा समुद्र में जो उत्तरंग निस्तरंग अवस्थाएं हो रही है वो कौन कर रहा है। कहले हवा का चलना, हवा चले तो उत्तरंग माने लहरें उछलना, उत्तरंग अवस्था समुद्र की, और निस्तरंग माने हवा नहीं चलना, शांत रहना। कब लहरें कब चलती है समुद्र में, जब हवा चलती है, तो ले हवा उत्तरंग अवस्था को करती है, वो कर रही है। कहले नहीं वो नहीं करती, निमित्त हो सकती है लेकिन वो नहीं कर सकती। और शांत हुआ समुद्र किसने किया, ये हवा नहीं चल रही ना, हवा का नहीं चलना, इसलिए वो नहीं करती। क्यों, क्योंकि हवा उस समुद्र में व्याप्य व्यापक नहीं है, वो लहरें जो उठ रही है उसमें समुद्र व्याप रहा है। आदि मध्यांत शब्द का प्रयोग किया, आदि मध्य अंत में समुद्र व्याप रहा है, तो समुद्र व्यापने से समुद्र ही उसका करता है। जब उछल रहा है तब भी, शांत है तब भी समुद्र व्याप रहा है, हवा नहीं है,
वो तो शांत हो गया जब, तो हवा तो चली गई है, इसलिए व्यापी व्यापक उसका होने से वही उसका करता है। और भोक्तापने में भी लगाया, भाव्य भावक रूप से उस दशा रूप से कौन अनुभव कर रहा है कि समुद्र स्वयं अनुभव कर रहा है, तो अनुभव कर रहा है का मतलब उस रूप खो रहा है। समुद्र हवा नहीं हो रही, हवा तो आई और चली गई, लेकिन जो लहरें बड़ी बड़ी उठ रही है वो समुद्र का अंश है, वो समुद्र ही है, समुद्र ही उस रूप हो रहा है। ऐसे ही लोहा जब लोहे का गोला जब आग में तप करके बिल्कुल लाल हो गया, तब क्या कहेंगे, ये लोहा अग्नि हो गया बिल्कुल, आग का गोला। अरे वो तो लोहे का गोला है। अभी आपकी बहुत सारी प्रतियोगिता होती है, उसमें गोला फेंक होता है, तो गोला हाथ में ले करके और बहुत दूर तक फेंकते हो ना, बराबर। और ऐसा कोई अग्नि से तप्त हुआ लोहे का गोला कहे कि लो और गोला फेंक करो, तो क्यों लेने तैयार नहीं होता? नहीं नहीं वैसा भी लोहे का गोला नहीं है, काय का गोला है, ये आग का गोला है, लोहे का है भाई, कि नहीं अभी आग का है। क्यों? कि अभी अग्नि रूप हुआ है, वो उस समय अग्नि का अनुभव कर रही है। अनुभव की बात के लिए कहा, लोह पिंडवत स्वयं औष्णानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्। वो लोहे के पिंड की तरह स्वयं उष्णता का अनुभव उस रूप हो जाएगा। अरे ये आँख यदि भोगती होती तो स्वयं लाल हो जाती है। वैसे तो बहुत आँख के नज़दीक रहोगे ना, सर्दी में बहुत गर्मी, सर्दी लग रही है तो आलाव तप करके बिल्कुल नज़दीक बैठ करके वो करोगे और उसके सीधी जो आँख में ताप आग में सीधी लगेगी तो फिर वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी वेदन है, वो जो गर्म हुआ ना और उसका वेदन हुआ उस स्पर्शन इंद्रिय को हुआ। वो चक्षुर इंद्रिय जो चक्षु है, देखने वाली जो है ना, वो तो देखती ही है, वो गर्म नहीं हो जाती है, वो देखने रूप ही रहती है, उसी रूप में उसे लेना। तो आग का गोला जैसे, लोहे का गोला जैसे अग्नि के साथ तप्त हो जाता है, ऐसे दृष्टि तप्त नहीं होती है, सहज रहती है, जैसी है वैसी रहती है, इसलिए वह भोगती नहीं है। और यदि भोगती होती तो उसे लोहे के गोले की तरह लाल तप करके लाल होना दुर्निवार होता। अब ये अगला वाक्य पढ़िए, अन्यथा करके निषेध किया, अन्यथा अग्नि दर्शनात् संदुक्षणवत स्वयं ज्वलन करणस्य, आग जलाने वाली की तरह वह दृष्टि से आग जल जाती, और लोह पिंडवत स्वयं औष्ण्यानुभवनस्य च दुर्निवारत्वात्, और लोहे की पिंड की तरह उसे भी गर्म होना पड़ता लेकिन वह नहीं होती है। किंतु केवलम दर्शन मात्र स्वभावत्वात् तम सतत सर्वम केवलमेव पश्यति, लेकिन दृष्टि का आँख का दर्शन देखना मात्र स्वभाव होने से सबको मात्र देखती है। अब इसी में दोनों बातें आ गई, करती भी नहीं है आँख और न भोगती है, केवलमेव पश्यति। उदाहरण पूरा हो गया, दृष्टांत हो गया, अब सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा ज्ञानम अपि, उसी तरह से ज्ञान भी। किसका ज्ञान? किसका ज्ञान? केवली भगवान का ज्ञान, मुनिराज का ज्ञान, व्रती का पंचम गुणस्थान व्रती का ज्ञान, चौथे गुणस्थान व्रती का ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, कि सब का ज्ञान? जीव मात्र का ज्ञान, सभी जीव मात्र सबके ज्ञान का यही स्वरूप है। अब कौन मानता है कौन नहीं मानता है अलग बात है, लेकिन ज्ञानम अपि का अर्थ सबका ज्ञान, सभी के ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञानम अपि स्वयं दृष्टित्वात्, ज्ञान भी स्वयं दृष्टा है, क्योंकि वह दृष्टि आँख के साथ जोड़ा ना, इसलिए दृष्टा शब्द से लिया। वैसे ज्ञाता, ज्ञान शब्द दिया है तो ज्ञाता, लेकिन ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा दोनों रहते हैं, इसलिए दृष्टित्वात्, ज्ञान स्वयं मात्र दृष्टा होने से, और वह दृष्टा स्वरूप जो ज्ञान है कर्मणों अत्यंत विभक्तत्वेण, जिस कर्म के करने और भोगने की बात करते हैं ना, जैसे आँख दृष्टि दृश्य पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, ऐसा ये ज्ञान भी कर्म से अत्यंत भिन्न है।
अभी प्रारंभ में अपन ने कर्म के तीनों अर्थ किए थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। उन सब से कर्मणो अत्यंत विभक्तत्वात् विभक्तत्वेन निश्चयतः निश्चयतः तत्करण वेदनयो असमर्थत्वात् कर्म न करोति न वेदयते च। उससे अत्यंत भिन्न है ज्ञान। जब भिन्न है तो उसके करने और वेदने में असमर्थ है। जैसे आँख उनसे भिन्न होने से करती नहीं भोगती नहीं, ऐसा ही ज्ञान भी गेयों को समझ ले दृश्य शब्द से, कर्म कर्म से भिन्नता की बात थी, कर्म भी यहाँ गेय है इसके लिए। इसलिए कर्म से अत्यंत भिन्न होने से करण वेदनियो असमर्थत्वात्, उसके करने और वेदन करने में असमर्थ होने से न करोति न वेदयति च, न करता है न भोगता है। लेकिन एक शब्द डाल दिया बीच में, कौन सा? निश्चयतः, माने निश्चय से। क्या मतलब? मतलब ये जो बात है कौन सी है? निश्चय नहीं की है। और यदि निश्चय तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब दूसरा पहलू कौन सा है? व्यवहार का है। तो जो व्यवहार की बात है, व्यवहार से कर्म कर भी रहा है और उनका उदय आने पर जीव भोगता भी है, और वो व्यवहार की स्थिति परिस्थिति भी ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। अभी भेद विज्ञान कराने के लिए, भेद विज्ञान की दृष्टि से निश्चय को मुख्य करते हुए बात कह रहे हैं। नहीं तो ऐसा कहेंगे, अब ये सब बातें आने वाली हैं वैसे आगे, जो इस तरह से सर्वथा उड़ा देंगे ना कर्तापना, उनका निषेध करते हुए रागादि का कर्ता जीव ही ये सब सिद्ध करने वाले आगे। तो वो स्वयं स्वभाव से करता नहीं है, लेकिन विकार हो करके राग द्वेष रूप परिणमता है, तब कर्म बनते भी है। उस दृष्टि से वो व्यवहार की अपेक्षा से करता भी है। नयों की दृष्टि से पूरा समझना हो तो द्रव्य संग्रह आदि में समझो, वो कर्ता संबंधी बात आई ना। कौन सी गाथा है कर्ता की? पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दोदु निच्छय दो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। तो ये पुद्गल कर्मों का कर्ता भी कहा जाता है निव्यवहार से। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो, व्यवहार से पुद्गल कर्मों का कर्ता भी, अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध भावों का करता है और शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। तो इसलिए अभी अनिश्चय की बात करें, भेद विज्ञान के लिए निश्चय की बात कर रहे हैं। निश्चय से कर्मों को करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। मैं कर्मों को करता नहीं भोगता नहीं हूँ, तो मैं चाहे जितना पाप करूँ, मैं तो बांधता नहीं हूँ ना कर्मों को, तो नरक में नहीं जाऊँगा ना। नहीं, निश्चय से तो नहीं जाओगे, लेकिन व्यवहार से, तो व्यवहार से करता हो तो व्यवहार से जाएंगे भी, व्यवहार से भोगना भी पड़ेगा, और उस समय जो वेदन होता है वेदन भी होगा। लेकिन ये भेद विज्ञान की अपेक्षा से मुख्यता से कह रहे हैं कि ज्ञान का स्वभाव करने और भोगने का नहीं है। कर्म न करोति न वेदयते, जो निश्चय तर लगा दिया बीच में, किंतु केवलम ज्ञान मात्र स्वभावत्वात्, चूँकि ज्ञान स्वभाव है ना, जानना स्वभाव है, इसलिए कर्म बंधम मोक्षम कर्मोदयम निर्जराम वा केवलमेव जानाति। इन सबको कर्म का बंधन, मोक्ष, कर्म का उदय, निर्जरा, इन सबको मात्र जानता है। तो ज्ञाता इन सब का वास्तव में सहज ज्ञाता ही रहता है। होते हुए बंध के संदर्भ में हो रहा है तो बंध की पंक्ति में है, और हम अपने आप को ज्ञान की पंक्ति में खड़ा रखते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने आप को ज्ञान की पंक्ति में खड़ा रखते हैं। भूमिका अनुसार बंधन हो रहा होगा, उसका कर्तापना नहीं है। जब बंधन है नहीं तो उनका अभाव करना, संवर करना है, निर्जरा करना है, करना है ना, कुछ नहीं करना है। नहीं, सारे कर्मों का अभाव करके मोक्ष करना है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सहज ज्ञाता हूँ। जब अपने स्वरूप में और उग्रता से लीन हो जाऊँगा तब कर्मों का आना स्वयं में रुकेगा, और शुद्धि की वृद्धि होगी तो कर्म जाएंगे। और ये जो स्थिति होगी उसे मैं करूँगा और उसको भोगूंगा ना कि नहीं, वो भी मैं जान लूँगा। और सारे कर्मों का अभाव होगा उसे भी जान लेंगे।
तो ज्ञान मात्र स्वभाव होने के कारण से उन्हें मात्र जानते ही करते नहीं हैं, ऐसा ज्ञान स्वभाव हम सबके अंदर में सहज प्रकट हो। ये 320वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण, एक तो इस दृष्टांत की वजह से और दूसरा विशेष इसमें, इस पर जयसेन आचार्य की बहुत विस्तृत टीका है, लेकिन ये सीधी गाथा की वो टीका नहीं है। गाथा की ये चर्चा पूरी होने के बाद फिर वह उस पर एक विस्तार, किंच विस्तरा या कुछ और विशेष कहना है, और वो ये बात इसका कहने के बाद में मोक्ष का कारण कौन है, मुक्ति क्या है, मोक्ष का कारण क्या है, तो मोक्ष के कारण पर विचार करते हैं। ऐसा करते हुए जो पांच भाव है औदयिकादि, उसमें से मुक्ति का कारण कौन सा भाव बनता है, कैसे बनता है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है और गुरुदेव श्री ने उस पर बहुत विस्तार से प्रवचन भी की, विशेष प्रवचन उस पर छपे हैं, इस कारण से इसकी विशेष चर्चा होती। लेकिन अपन अमृतचंद्र आचार्य की टीका से लेकर चल रहे हैं, इसलिए अपन उसके विस्तार में न जाते हुए अब प्रकरण बदल रहा है और उसका कलश भी आगे आएगा, उसके उत्थानिका वाली, उसकी चर्चा अपन आगे अब कल से करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।